अलीगढ़ में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने का एक घिनौना मामला सामने आया है। दरअसल जावा क्षेत्र की रहने वाली एक युवती बीजेपी विधायक दलबीर सिंह के साथ थाने पहुंची। युवती अपने पति पर मामला दर्ज कराने आई थी। युवती का पति यूपी पुलिस में सिपाही है। युवती ने बताया कि उसका पति उसे अपना पेशाब पिलाता है और विरोध करने पर मारता पीटता है। इतना ही नहीं, वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। किसके द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा किया गया है? पति के द्वारा। कौन है आपके पति? कौन है आपके पति? मेरे यहाँ पे पुलिस में है, कांस्टेबल है। क्या नाम उनका? नाम उनका योगेश। और कहाँ पर तैनात है वो? वो इटावा में है। और रहने वाले कहाँ के हैं? नगला संत इटा के पास। फिर क्या हुआ? शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 24 अप्रैल को 1 साल हो गई। मैं वहाँ 6 महीने भी ठीक से मुझे रहने नहीं दिया। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरी BA फाइनल है। मैंने कोर्स भी करे, पॉलिटेक्निक भी कर रखी है, BEd भी कर रही हूँ अब, और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया है, कंप्यूटर का भी कोर्स किया है, सिलाई मशीन भी करती हूँ। तो आपके संग मारपीट करके घर से निकाल दिया, क्या बहुत हुआ? पूरी मारपीट की, पूरी रात मार, पेशाब तक पिलाया, गंजी चांद करने इसको के लिए चटवाए, उस तरह लेके आए, इसे छुली चांद कर रहा था उसकी, उस तरह लेके गंजी चांद, इस लायक नहीं छोड़ूंगा किसी लायक। और मैं पुलिस में हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो पेशाब भी पिलाया। वहीं परेशान परिवार, पूरे मामले की सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने विधायक से मदद मांगी। विधायक पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर SSP दफ्तर पहुंचे, जहां SSP ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। एक बेटी मेरे विधानसभा क्षेत्र की नायक समाज की है, बंजारी समाज की। इसके बाप ने बड़ी मेहनत से कर्ज लेके इसकी शादी एक पुलिस के सिपाही से की और काफी दान दहेज के साथ की, और वो सिपाही इसके साथ बहुत जबरदस्ती हर तरह का कुकर्म भी करता है, इसे मारता पीटता भी है और इसे मारने की कई बार कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी वहाँ से भाग के आई, निकल के आई। तो इसका मुकदमा कायम कराया और मुकदमा कायम में 307, 498 ये सब धाराएं लगी। ये बात सही है कि डॉक्टरी माने में ग्रीवियस इंजरी कोई नहीं आई, तो वो सिपाही कोशिश कर रहा है कि धाराएँ कम होकर मेरा ये केस खत्म। कप्तान साहब के पास भी आज ये सांसद लोग इसे लेके आए। कप्तान साहब ने बहुत सख्ती से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दिया है और सिपाही को सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिया है, इटावा में सस्पेंशन का आदेश। जावा थाना क्षेत्र के नगला बंजुरा की एक युवती की शादी 1 साल पहले इटावा में तैनात पुलिस कांस्टेबल से हुई थी। शादी के दौरान पीड़ित के पिता ने जमीन बेचकर सरकारी नौकरी के नाम पर भारी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही पीड़ित युवती के साथ कांस्टेबल मारपीट करने लगा। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने अपने मायके में आकर की तो समझा कर दोबारा पीड़िता को फिर ससुराल भेज दिया गया। हद तो तब पार हो गई जब सिपाही ने पत्नी को लघु शंका कर पिलाने लगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो सिपाही ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित की पीड़ा सुनकर SSP भी दंग रह गए और उन्होंने तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए। साथ ही इटावा SSP को सस्पेंड करने के लिए एक पत्र भी लिखा है। अलीगढ़ से अर्जुन वाचनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।